बदलाव कुछ भी नहीं, कुछ भी हम नहीं। पहले भी दोस्त थे, आज भी दोस्त है, क्योंकि प्यार ही दोस्ती है, दोस्ती प्यार है। धमाका धमाका, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छी शाम से आप? एक्सपेक्ट ग्रैंजियर, रोहित वर्मा इज ऑल अबाउट ग्रैंजियर। रोहित वर्मा इज वेरी थॉटफुल ऑल्सो। आई थिंक पूरी इंडस्ट्री को जब पता चलता है कि उनका शो आ रहा है तो सबको अटेंड करना होता है, और जिन लोगों को इन्विटेशन नहीं मिलता है वो भी उनको कॉल करके बोलते हैं कि हमें इन्वाइट क्यों नहीं किया। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। तो ये है रोहित वर्मा फॉर यू। जी, आप क्या कहना चाहेंगी, आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं अच्छी शाम से? मैं बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि रोहित से मैं थोड़े दिन पहले मिली थी ना, आज रेम की अभी जो शो आ रहा है उसमें आप क्या शोकेस करने वाले हो, सो इज लाइक मे बी इट्स अ सरप्राइज, सो आई एम रियली रियली एक्साइटेड। आई वॉन्ट टू सी कि अभी क्या आउट ऑफ द बॉक्स रोहित ने सोचा है, बिकॉज लास्ट जो उसका बॉम्बे फैशन वीक था उसमें वो कुछ बंगाली खेला, सम सिंदूर खेला वॉज द टॉपिक, और आई एम रियली एक्साइटेड कि इस बार रोहित ने क्या आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है। देयर ही इज रोहित, देयर ही इज। ओके, ही इज बिजी राइट नाउ। इसी के साथ में आपके लुक के थोड़े अफकार के बारे में कुछ बताइए, क्या कहना है एक दूसरे के बारे में, थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ, एक दूसरे के बारे में, वेल ग्लिटर लुक है, आई थिंक गोज परफेक्ट, ऑल ब्लैक एंड गोज परफेक्ट फॉर टुडे, और मेरा एकदम स्टड लुक है, गोज परफेक्ट फॉर टुडे। ओके, अगर आप दोनों की अगर बात की जाए तो क्या मतलब आप लोग का स्टाइल मंत्र क्या है, किस तरह के फैशन को आप लोग फॉलो करते हैं? स्टाइल मंत्र बेसिकली वी फील कि जो भी हम पहन रहे हैं उसमें हम कंफर्टेबल होने चाहिए, सो आई थिंक संजय इज आल्सो, यू शुड बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, दैट्स ऑल। हम लोग यही फॉलो करते हैं। आप कौन से ब्रांड का पहन रहे हो, ब्रांड डजंट मैटर, आप खुद एक ब्रांड हो, कॉन्फिडेंटली आप कंफर्टेबल फील करो, जो भी आप पहन रहे हो यू विल एंड अप लुकिंग योर बेस्ट। शादी के बाद हमने फोटोशूट किया था, दैट वॉज द फर्स्ट फोटोशूट आफ्टर द वेडिंग, वो रोहित ने किए थे, एंड पिक्चर्स टर्न आउट टू बी अमेजिंग। बदलाव कुछ भी नहीं, हम पहले भी दोस्त थे, आज भी दोस्त है, और आगे भी दोस्त रहेंगे, क्योंकि प्यार ही दोस्ती है, दोस्ती प्यार है। ओके, शो की अगर बात की जाए, अगर आपके अगर शो की बात की जाए तो क्या आने वाला है आपके शो में, और क्या नए फेस आने वाले हैं? धमाका धमाका धमाका, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। आप कितना फॉलो कर पाती हैं संजय के शो को? अरे बिल्कुल नहीं देखती, जबरदस्ती दिखाना पड़ता है। नहीं, झूठ बोल रहा है। मैं कुछ कुछ सीन्स देखती हूँ, और जहाँ पे मुझे लगता है कि संजय यहाँ पे ये होना चाहिए था यहाँ पे, वो भी मैं बता देती हूँ, तो मैं फॉलो करती हूँ शो। होली पहली होली है शादी के बाद, तो बहुत धमाकेदार तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं, एक दूसरे को प्यार के रंग में रंगने वाले हैं, एक दो प्राइवेट पार्टीज है, वहाँ जाएंगे, दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करेंगे, एंड कुछ ऐसा करेंगे कि हमेशा यादगार रहे कि पहली होली शादी के बाद मनाई थी ऐसे। बोलो, आप क्या कहना चाहेंगे, शादी के बाद की पहली होली है, संजय ने तो बता दिया है, आपके क्या प्लान्स हैं इस होली के लिए? सेम प्लान्स हैं, हम दोनों को सेम जगह से इनवाइट आया है, तो हम दोनों साथ में इंजॉय करेंगे, तीन चार जगह जाएंगे और बहुत सारी मस्ती करेंगे। चूड़ा सो बेसिकली कहा जाता है कि 40 डेज तक पहनना होता है, बट क्योंकि जब चूड़ा चढ़ाया जाता है तो उसकी एक रस्म होती है, तो इसके लिए मुझे जब उतारना है तो मुझे इसके लिए अपने इन लॉज के यहाँ जाना पड़ेगा, तो मैं जा नहीं पा रही हूँ बिकॉज ऑफ वर्क कमिटमेंट्स, तो यहाँ जब जाऊँगी तो फिर उधर जाएगा, बट आई लव टू वेयर चूड़ा। हैप्पी होली एवरीवन, हैव अ सेफ होली टू यू ऑल, बी सेफ, एक दूसरे को प्यार के रंग में रंगिए।